आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गदर आंदोलन के सदस्य लाला हरदयाल के बारे में। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और गदर आंदोलन के सदस्यों में से एक लाला हरदयाल की जयंती है। उनका जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। अत्यधिक अध्ययनशील युवक हरदयाल ने इंडियन सिविल सर्विस में करियर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कनाडा और अमेरिका में निर्वासित जीवन बिता रहे भारतीयों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने की प्रेरणा देने के लिए किया। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के सहयोगी थे। लाला हरदयाल ने कैम्ब्रिज मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली में सेंट स्टीफंस कॉलेज में संस्कृत में स्नातक उपाधि ली। 1905 में उन्हें संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2 छात्रवृत्ति मिली। हालांकि 1907 में प्रकाशित द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र में तर्क देते हुए उन्होंने अराजक विचारों की खोज शुरू की और कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार में सुधार नहीं बल्कि सुधारों को परे रखकर आवश्यक हो तो इसके अस्तित्व के नाम मात्र अवशेष ही छोड़ना है। इस पत्र ने उन्हें पुलिस की निगरानी के रडार पर ला दिया। बाद में उसी वर्ष उन्होंने ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियां छोड़ दी और 1908 में भारत लौट आए। लेकिन भारत में भी उन्होंने अग्रणी समाचार पत्रों में कड़े लेख लिखने शुरू कर दिए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने उनके कार्यों को सेंसर करने का फैसला किया। लाला लाजपत राय ने उन्हें भारत छोड़ने और विदेश जाने की सलाह दी। लाला हरदयाल फ्रांस और जर्मनी की यात्रा के दौरान ब्रिटिश विरोधी प्रचार करते रहे और ब्रिटिश विरोधी संघर्ष सफलतापूर्वक चलाने की कुंजी के रूप में पश्चिमी विज्ञान और राजनीतिक दर्शन की सराहना भी करते रहे। 1911 में वे अमरीका पहुँच गए जहाँ वे औद्योगिक संघों से जुड़ गए। 23 दिसंबर 1911 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के बसंत कुमार बिस्वास के प्रयास का हरदयाल पर गहरा असर पड़ा। हरदयाल के मार्गदर्शन में 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1914 में अराजक साहित्य के प्रचार प्रसार के कारण अमेरिका सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो वहाँ से जर्मन शहर बर्लिन भागने में सफल रहे। बर्लिन में उन्होंने बर्लिन कमेटी के गठन में सहयोग किया और अंग्रेजों से लड़ाई के लिए जर्मन इंटेलिजेंस ब्यूरो की सहायता की। भारतीय डाक विभाग ने 1987 में लाला हरदयाल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। महान स्वाधीनता सेनानी लाला हरदयाल को नमन।